दूसरा तो काम है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीधे जान लीजिए कि बिहार के 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जा रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर माहौल टाइट है, कोई माहौल नहीं, कोई चुनौतियाँ नहीं है, सब जगह एनडीए के पक्ष। PR और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे चरण का मतदान भी होना है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने 10 सवाल किए हैं प्रधानमंत्री से। बता दें कि इस पे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा। उन्होंने कहा है उन्हें काम ही क्या है, बिहार के विकास जो भी हुआ है वो मुख्यमंत्री ने किया और तेजस्वी यादव उन्हें अपना नाम दे रहे। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, सुनिए। दूसरे चरण का आज मतदान है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। ये एनडीए का लहर चल रहा है, वेग बहुत है। आज प्रधानमंत्री जी का भी दो दो जगह दौरा है, लेकिन तेजस्वी यादव है 10 गो सवाल कर रहे हैं, बिहार आ रहा है तो पहले उनको पास है क्या? तेजस्वी जी के पास कुछ है मुद्दा का तो मुद्दा है, क्योंकि माता पिता के शासन काल को एक भी बार एक चर्चा नहीं करती, 15 वर्षों से उपलब्धि नहीं बनाते और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते सब, ये 18 वर्षों के हमारे नेता जी को कार्ड 17 महीना में अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते, यही उनकी काम है। दूसरा तो काम है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीधे जान लीजिए कि बिहार के 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जा रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर माहौल टाइट है, कोई माहौल नहीं, कोई चुनौतियाँ नहीं है, सब जगह एनडीए के पक्ष। अरे आप आने दीजिए ना, समय आएगा बताएगा, कहीं नहीं सब चीज सब जगह ठीक है। सभी जगह निकल सब, कोई नुकसान नहीं हो रही, सब जगह जो है सुना हमने किस तरीके से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पे अपनी टिप्पणी की और कहा है कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा रहना चाहिए, उनका वोट उनका खाता नहीं खुल रहा है वोट के लिए, इसलिए वो घबरा रहे हैं और इस कारण से वो ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो हारेंगे, इस कारण से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने दुर्शासन काल के बारे में बात की जब उनके माता पिता बिहार में राज की और किस तरीके से बिहार को जंगल राज में स्थापित किया। आपने खुद सुना कि क्या कुछ कहें उमेश कुशवाहा। इस दिन की जो भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।